फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपको प्यार से चैनल नौकरी अलर्ट पर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS है, उसकी क्लर्क की नोटिफिकेशन आई है जो कि आपकी वैकेंसीज स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म फिलअप और आज से हुई है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कि जो नोटिफिकेशन इशू हुई है वो आपके IBPS की तरफ से हुई है। इसमें आपका जो भी वैकेंसीज है IBPS क्लर्क का, उसके बारे में बताया गया है, जिसमें दो एग्जाम होगा, एक प्री होगा प्रीमरी और एक मेंस होगी। और आपकी जो शेड्यूल है वो आपके अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर तक में पूरी एग्जाम्स हो जाएगी। इसमें आपके इन सब बैंक है, जैसे कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब सिंध बैंक, इन सब बैंक की वैकेंसीज है इनमें से। और ये आपकी जो स्टार्ट हुई है 12/7/2021, जो कि आज से स्टार्ट हुई है, और ये आपकी लास्ट डेट है 1/8/2021, इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने के लिए। पेमेंट करने के लिए आपका ऑनलाइन वो आपके है आज से स्टार्ट है और लास्ट 1 तारीख को है, 1 अगस्त को। इसमें आपको कॉल लेटर प्री का अगस्त में आ जाएगा, और जो आपके कॉल लेटर है प्री में अगस्त में आ जाएगा। फिर आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा जो प्री का, वो 28, 29 और 4 सितंबर को होगा। 28 अगस्त, 29 अगस्त और 4 सितंबर में आपका प्री का एग्जाम होगा, और उसकी रिजल्ट आपकी सितंबर या अक्टूबर तक आ जाएगी, और मेंस होगी आपकी अक्टूबर 2021 में। और जो मेंस की डेट दी गई आपकी जो 31 अक्टूबर 2021 को होगी, और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका होगा अप्रैल 2022 में। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें नेशनलिटी इंडियन होना पड़ेगा इनमें से। दूसरा आपका जो एज है, एज आपका मिनिमम 20 इयर्स होना पड़ेगा और मैक्सिमम 28 इयर्स। और इनमें रिलैक्सेशन भी है, जिसमें कि है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स है, OBC बैकवर्ड नॉन क्रिमिनल उसके लिए है 3 इयर्स, और पोस्ट विद डिजेबिलिटी उसके लिए है 10 इयर्स, और एक सर्विस में इन लोग के लिए भी एज रिलैक्सेशन है। तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो जो कि आज से स्टार्ट हुए, और इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कितनी पेमेंट है। और इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ऑफिशियल साइट विजिट करना होगा, जो कि आपका है www.ibps.in। इस पे आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसमें ये सब बैंक है जो कि पार्टिसिपेट के, बैंक ऑफ बड़ौदा ये अभी तक नहीं निकाली है, आपकी बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं निकाली है, जो जो बैंक दी है उसके। और यहाँ पे आपका स्टेट वाइज भी दिया गया है, जैसे कि आपके आंध्र प्रदेश में जो वैकेंसीज है टोटल है आपके 248, इसी तरह आपके अरुणाचल प्रदेश में आपकी वैकेंसीज नहीं है, तो आप देख सकते हो। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका इसमें दिया गया था, जिसमें आपका 850 रुपीज है आपके जनरल के लिए, और ST SC इन लोगों के लिए 175। तो आज के वीडियो में बस इतने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और हम लोग आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज ऑन नौकरी अलर्ट।